हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना ब्रेन लाइफस्टाइल। तो ये सुबह मॉर्निंग की वीडियो है और मैं, पतिदेव और बूबू हम जा रहे हैं मार्केट। करवा चौथ आ रहा है तो मुझे कुछ सामान लेना था, मतलब ज्वेलर की शॉप पे। तो चलिए आगे दिखाती हूँ आपको क्या लिया है और लिया क्या है, मतलब पतिदेव ने गिफ्ट किया है, समझ लो करवा चौथ गिफ्ट है ये। और देखिए आप कैसा लगा, आपको बताना ज़रूर। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल जाए। तो ये मैं क्या बोलते हैं ज्वेलर शॉप पे पहुंच चुकी हूँ और यहाँ से अभी भैया मतलब दिखा, शॉप खुली थी सुबह मॉर्निंग की टाइम है तो वो दिखा रहे थे सामान, और भी लोग आए हुए थे उनकी शॉप पर। तो मैंने सामान ले लिया है, ये देखिए, ये है मेरे कान के झुमके और ये गोल्ड के हैं। तो यहाँ से मैंने परचेज़ किया, उसके बाद फिर मैं बूबू रो रहा था इसलिए वो बाहर आ गए थे पतिदेव जी, और फिर यहाँ पे दोनों जने बाहर थे तो फिर मैंने सामान लिया और अपना बाहर आ गई मैं भी। हमने जल्दी जल्दी में ही खरीद लिया है मतलब, और शॉप अच्छी है यहाँ पे। तो उसके बाद लेने के बाद फिर हम और भी सामान लेना था इसलिए वो भी जाना था, और बूबू के हेयर कट करवाने के सबसे ज़्यादा, इसलिए उसको नहला के नहीं लेके गए थे हम। फिर यहाँ पर हम गए साड़ी की शॉप पर और वहाँ पे मैंने साड़ी परचेज़ की। मुझे ऑफलाइन साड़ी इतनी लेनी नहीं आती है, मतलब मम्मी की लोगों के साथ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम समझ लो साड़ी खरीदी है, नहीं तो मैं मम्मी लोगों के साथ ही जाकर लेके आती हूँ और या ऑनलाइन मंगा लेती हूँ पसंद आती है। तो इस बार मुझे लगा ऑफलाइन ही ले लूँ, तो पतिदेव के साथ गई मैंने एक साड़ी परचेज़ करी। और ये भी मेरी साड़ी, कलर बताना आपको कैसे लग रहा है। और मुझे इतना अच्छा मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, बट इसमें पता नहीं अच्छा लग रहा। उसके बाद फिर हम गए माँ क्या बोलते हैं सलून बूबू के हेयर कट करवाने। यहाँ पे बूबू उस पर चेयर पे बैठ ही नहीं रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, वो रोने लगना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसको हमने गोद में लेके साइड में सोफे पे बैठे। तो प्रॉब्लम यही है ना, बच्चे बहुत रोते हैं, ये फर्स्ट टाइम है इसका मतलब कट, हेयर कट, और कई जगह जाते हैं तो इतना रोता है, ये कटवाता ही नहीं है अपने बालों को। और कई उससे पहले इन्होंने मतलब होली पे खुद ही बालों को कट कर दिया था, दो तीन बार तो हम घर पे कट कर चुके हैं इसके बाल। ये फर्स्ट टाइम है हमने बाहर से कट करवाया है, और इतने में तो इसने बहुत परेशान कर दिया है, वो काटने वाला भी परेशान हो गया था, रो रहा था बहुत तेज़ रो रहा था वो। और आज इनको जाना भी है तो इसलिए सारा काम सुबह मॉर्निंग में हमने जल्दी जल्दी किया है, घर का काम फिनिश करके फिर हम चले गए थे 11 बजे के करीब। और फिर हम वहाँ से आए, खाना मैं बना के गई थी ताकि आके परेशान ना होना पड़े, क्योंकि बूबू रो रहा था तो इसको आके नहलाना धुलाना था और इनकी भी रात की तैयारी करनी थी। तो ये देखिए, और तो यहाँ पे बूबू इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था उसको, फिर हम मतलब फ़ोन में कार्टून भी दिखा रहे थे फिर भी चुप नहीं हो रहा था। उसके बाद हम घर आ गए, घर आने के बाद ये दोनों बाप बेटे जाके नहाने चले गए थे वो बाथरूम में, और मैं यहाँ पे खाना बना के गई थी, पर मुझे तड़का लगाना था उसमें छोले में, तो वो तड़का लगाने लगी थी जब तक टाइम हो गया था खाने का। तो मम्मी अपना खाना निकाल रही थी खाने के लिए और मैं इनके लिए छोले में तड़का लगा रही थी। खाना बनने के बाद उनका बूबू को नहला रहे थे वो, नहलाने के बाद वो अंदर आए, फिर हम लोगों ने खाना खाया गाइस। और नेक्स्ट शाम मतलब रात का वीडियो मैं आपको सेकंड पार्ट में शूट करूँगी बताऊँगी, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा, इसलिए छोटा वीडियो है ये। तो यहीं पे फिर और करवा चौथ पे मुझे और भी बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, धीरे धीरे मैं ब्लॉग बनाऊँगी उनका जो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एक साथ नहीं शेयर कर सकती क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आज बहुत काम है, इनको जाना है शाम को, इसकी तैयारी करनी है पूरी। तो छोटी सी वीडियो मैंने शूट करी है, अभी धीरे धीरे सामान पार्सल ओपन करूँगी और दिखाऊँगी भी। और ये भी आपको झुमके मेरे कैसे लगे बताना ज़रूर, अच्छे लगे या नहीं लगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे एक्चुअली। और अभी तो मैंने पहन के नहीं दिखाया उनको क्योंकि टाइम नहीं मिला पहनने का, मैं पहन के भी जल्दी दिखाने वाली हूँ, या नहीं भी दिखा पाऊँगी तो कोई बात नहीं, करवा चौथ पे पहनूँगी मैं उनको, मैंने सोचा हुआ है कि मैं इन्हीं को पहनूँगी क्योंकि इसीलिए मैं लिया ही है उनको। तो यहाँ पे मेरा तड़का लगना स्टार्ट हो चुका है, और ये है मम्मी अपना खाना वाना निकाल के जा रही है, कुछ कर रही थी वो उस टाइम पर, क्या कर रही थी मुझे याद नहीं है, इसलिए वो आ रही थी। और बूबू, हाँ वो शायद आई थी ना, वो टावल और नहा रहे थे ना, तो उन्होंने तो टावल मांग रहे थे मुझसे, तो मम्मी बोल रही थी कि मैं दे देती हूँ कोई बात नहीं तुम कर लो जब तक ये कर रही हो। वही है ना,
बच्चा बड़ा परेशान करता है, वो तो बुबू ने बड़े परेशान कर दिया हेयर कट के टाइम पे ना, हमें मुझे बहुत परेशान किया। मार्केट में बू बार बार बोल रहा था, मम्मी मुझे ना बाल चुभ रहे हैं, और चुभने के, चलो चुभ रहे हैं तो ठीक है, फिर भी ना मुझे एक बात बताऊँ, आपको बहुत हंसी आई। फिर बोलता है मुझे ना बुखार हो गया मम्मी, बुखार मतलब इतना छोटा सा है, इसको मतलब कोई चीज़ देख लेता है इसको पता चल जाता है, जैसे इसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो हम बोलते हैं ना बुखार हो गया, या घर में कोई बोलता है कि हाँ बुखार हो गया बुबू को, बुखार हो गया, तो इसको वही लग रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था, इसके हेयर्स ना इसको चुभ रहे थे, तो इसको लग रहा था कि इसको बुखार हो गया है, तो बोला मम्मी बुखार हो गया, बुखार हो गया। मतलब मार्केट में लोग सुन के भी ना हंसने लगे इसको देख के, और हम लोग रुके थे थोड़ा सा कि कुछ सामान और भी ले लें, पर बुबू इतना ज़्यादा रो रहा था, हम फटाफट आ ही गए थे यहाँ पर। तो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और बताइए मुझे कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही है आपको, और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से और कहाँ कहाँ तक, मतलब कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियोज़ को। और गाइज, फिर उसके बाद हमने खाना वाना बना लिया मैंने, तो उसके बाद दोपहर में खाना खाया हमने, और फिर वो मतलब बुबू को सुला उला दिया था, सो गए थे, सोए क्या थे, मैं तो नहीं सोई थी क्योंकि सामान पैक करना था उनका, तो मैंने सामान पैक करके रेडी करके रखा। ओके गाइज, बाय बाय, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, कल फिर आपको मिलते हैं, कल क्या, हाँ कल ही मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।